सूर्य राहु की युति के दुष्प्रभाव को कम करने के राशि अनुसार उपाय। मेष राशि, देखिए मेष राशि वाले सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और नेत्रहीन लोगों की सेवा करें। ऐसा करने से उनके पेट की समस्या और मैनेजमेंट की समस्या हर तरीके से ठीक होगी। वृषभ राशि वालों को क्या करना है भाई? वृषभ राशि वाले सुबह के समय गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें, गुड़ मिश्रित जल भगवान सूर्य को अर्पित करें। ऐसा करने से परिवार की समस्याएं हर तरीके से कम होने लगेंगी। अब मिथुन राशि वाले भी सूर्य राहु के दुष्प्रभाव को कम करने का प्रयास जरूर करें। सूर्य के 12 नामों का जाप करें, घर में सूर्य के प्रकाश के आने की पूर्ण रूप से व्यवस्था करिएगा। भाई बहनों से संबंधों में हर तरीके से मधुरता आएगी। कर्क राशि, आपको भी उपाय करना है। लाल चंदन की माला से सूर्य के 108 नामों का जाप करिए। ऐसा है लोगों को अन्न का दान करिए। भैया आपके द्वितीय भाव के स्वामी है सूर्य, तो परिवार की, कुटुंब की, धन की तमाम समस्याएं खत्म होंगी। सिंह राशि, सूर्य प्रधान राशि, सूर्य प्रधान राशि वाले लोग तांबे के लोटे से भगवान सूर्य को जल तो अर्पित करेंगे ही, नेत्रहीन लोगों को, जो ब्लाइंड पीपल्स हैं, उनको मीठा खाना खिलाइए। आपकी सेहत की समस्या बिल्कुल खत्म होगी। कन्या राशि, कन्या राशि के लोग कुशा के आसन पर बैठें, सूर्य चालीसा का पाठ करें, अपने घर की ईस्ट साइड यानी कि पूर्व दिशा में सूर्य का उगते हुए जो एक चित्र होता है वो आप जरूर लगाइएगा, आपको भरपूर मान सम्मान की प्राप्ति होगी। तुला राशि वाले लोगों को क्या करना है भाई? आपको भी उपाय करना है। रुके हुए धन की प्राप्ति के लिए सुबह के समय गायत्री स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए और माथे पर छोटा सा एक लाल चंदन का तिलक जरूर करिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले नौकरी व्यापार की तमाम समस्याओं को खत्म करने के लिए सुबह के समय सूर्य उपासना करें। गेहूं गुड़ का दान किसी जरूरतमंद निर्धन व्यक्ति को करिएगा, हर तरीके से आपका कार्य सिद्ध होगा। धनुराशि, भाग्य में वृद्धि यदि चाहते हैं, पिता की सेहत को उत्तम यानी कि ठीक करना चाहते हैं, तो रविवार का आपको व्रत करना है, सूर्य उपासना करनी है और प्रतिदिन अपने पिता के चरण स्पर्श जरूर करें। मकर राशि भाई, आपको अचानक होने वाले नुकसान से यदि बचना है, अपने ससुराल से, अपने इन-लॉज से आपको संबंधों को बेहतर करना है। क्या करना है? संबंध बेहतर हो जाए, आप हर नुकसान से बच जाएं, सुबह के समय कुशा या लाल आसन पर बैठकर आप सूर्याष्टक का पाठ करिए, हर तरीके से मन की कामना पूर्ण होगी। कुंभ राशि वाले अपने दाम्पत्य जीवन को मधुर करने और व्यापार की तमाम समस्याओं को खत्म करने के लिए या तो लाल चंदन की माला या रुद्राक्ष की माला से ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें। मीन राशि, बृहस्पति प्रधान राशि, अंतिम राशि, ये लोग अपने रोग को कम करने के लिए, अपने लोन यानी अपनी ईएमआई को आसानी से चुकाने के लिए, ऋण की स्थिति को खत्म करने के लिए, शत्रुओं को शांत करने के लिए सुबह के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तो हर परेशानी, हर आपदा विपदा से ये बचे रहेंगे।